जेट्स टेलरिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें, लागत, मुनाफा और बाजार की डिमांड आदि जानें। वर्तमान में बदलते वक्त के साथ लोगों की जरूरतें भी परिवर्तित हो रही हैं। एक समय हुआ करता था जब कपड़े सिलने वाले टेलर की डिमांड बहुत अधिक होती थी, परंतु औद्योगिकरण के पश्चात मशीनों के द्वारा सिले गए कपड़े मार्केट में अपनी जगह बनाने में सफल हुए। परंतु अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टेलर के द्वारा सिले गए कपड़ों को पहनना ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पहले से तैयार रेडीमेड कपड़ों की फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है। भारतीय समाज में 40 साल से 60 साल आयु का वर्ग लगभग टेलर से सिलाई हुए कपड़े का इस्तेमाल करता है। इन कपड़ों की लंबे समय तक चलने की प्रवृत्ति तथा एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस अभी भी इस व्यवसाय को जिंदा रखने में सफल है। चलिए जानते हैं जेंट्स टेलरिंग का बिजनेस आप कैसे शुरू करें। टेलरिंग व्यवसाय के लिए आवश्यक स्किल। मुख्यतः इस व्यवसाय को करने के लिए आपके पास एक स्किल होना अनिवार्य है, जो कि है सिलाई। इस स्किल की सहायता से आप पुरुष, महिलाएं और बच्चों के कपड़े आसानी से सिल सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह का स्किल नहीं है तो आप किसी दूसरे टेलर की सहायता से इसे सीख लें, और या फिर भारत सरकार के द्वारा कई संस्थाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि इस तरीके के स्किल को लोगों तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा आपको सिलाई करने वाली मशीन और दूसरी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि धागा, मशीन में इस्तेमाल होने वाला तेल तथा मशीन को रखने के लिए काम में आने वाला टेबल इत्यादि। इसके बाद आप अपने घर से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपनी मार्केटिंग पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको अपने कपड़े सिलने की दुकान को शहर में किसी भीड़भाड़ वाले स्थान पर लगाना होगा, जिस वजह से आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बना पाएं और साथ ही लोगों को उचित कीमत में बेहतरीन सेवा प्रदान कर उनका विश्वास जीत पाएं। इस तरीके से बनाएं अपना बिजनेस प्लान। टेलर सिलाई इंडस्ट्री में बहुत सेक्टर शामिल किए जाते हैं, जैसे यूज्ड गारमेंट मशीनरी सेक्टर, गारमेंट फैक्ट्री सेक्टर, जेंट्स टेलर फैक्ट्री सेक्टर, कस्टम मेड टेलरिंग, टेंट इंटीरियर, लेदर एसेसरी इत्यादि। इन्वेस्टमेंट और मुनाफा। आपका निवेश मुख्यतः आपके द्वारा चुने गए व्यवसाय की साइज पर निर्भर करता है। साथ ही जिस स्थान पर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वहाँ की लोकेशन भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि आपकी दुकान कच्चे माल की फैक्ट्री से बहुत अधिक दूर और दुर्गम स्थान पर है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा कम उपलब्ध रहेगी, जिस वजह से आपके यहाँ आने वाला कच्चा माल पहुँचने में लगने वाला समय और खर्च अधिक होगा। यदि आप इस व्यवसाय को एक बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत रजिस्टर करवाकर आप अपनी दुकान को एक फर्म में स्थापित कर सकते हैं, जहां पर आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी काम प्रदान कर बड़ी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। यदि आपके पास पहले से सिलाई स्किल उपलब्ध है तो कितना होगा आपका निवेश। छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आने वाली कुल लागत, सिलाई मशीन 30,000 रुपए से 40,000 रुपए, दुकान की कीमत 20,000 रुपए प्रति महीना, अन्य खर्चे 10,000 रुपए। बड़े स्तर पर टेलर व्यवसाय शुरू करने में आने वाली लागत, सिलाई मशीन 10 से 20 सिलाई मशीन, दुकान की कीमत 40,000 रुपए प्रति महीना किराया, सरकारी लाइसेंस का खर्चा लगभग 5,000 रुपए, अन्य खर्चे 20,000 रुपए। इस प्रकार छोटे स्तर पर टेलर का व्यवसाय शुरू करने पर आपको लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख के निवेश की आवश्यकता होगी, परंतु बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 5 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। मुनाफा। एक ड्रेस सिलने की सामान्य फीस लगभग 800 से 900 रुपया। साधारण जगह पर दुकान लगाने पर भी एक महीने से आने वाली कुल सिलाई की ड्रेस लगभग 100 से 120 ड्रेस। इस प्रकार कुल आय लगभग 1 लाख रुपए से अधिक। आपका मुनाफा लगभग 80 से 90,000 रुपए प्रति महीना। कैसे चुने अपनी शॉप का नाम। आपको अपनी दुकान का एक नाम चुनना होगा यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो। हमेशा इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और एक दिलचस्प तथा लोगों को आसानी से याद होने वाला नाम रखें। साथ ही आप इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन डिलीवरी भी ले सकते हैं। आसानी से याद होने वाला साधारण नाम इंटरनेट की सहायता से ग्राहकों को आप तक पहुंचने में मदद करेगा। कैसे करें कर्मचारियों अन्य टेलर्स का चयन। बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को चलाने के लिए आपको एक बड़े क्षेत्र में अपनी शॉप स्थापित करनी पड़ेगी और आपको लगभग 8 से 10 कर्मचारियों की जरूरत होगी, जो कि आपकी ही तरह सिलाई का काम पहले से सीखे हुए होंगे या फिर आप उन्हें सिलाई की स्किल सिखा सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास काम की डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप और अधिक लोगों को हायर कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपना मुनाफा बचाने के लिए पार्ट टाइम तरीके से लोगों को हायर कर सकते हैं। बाद में उनकी सेवा प्रदान करने की सोच और कपड़े सिलने की स्किल के आधार पर आप उन्हें परमानेंट जॉब भी दे सकते हैं। इस तरीके से बनाएं अपनी शॉप की एक सर्विस पॉलिसी। आपके यहाँ काम करने वाले किसी भी टेलर का अपने ग्राहक के साथ गलत बर्ताव आपकी पूरी दुकान की साख खराब कर सकता है।
इसके निदान के लिए आप अपने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को आपके द्वारा तैयार की गई एक लिखित कस्टमर केयर पॉलिसी प्रदान कर सकते हैं और आप भी उस पॉलिसी का बहुत ही सावधानी से पालन करें, जिससे कि आपके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। इस पॉलिसी की सहायता से वे लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि उन्हें ग्राहकों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। आपने खुद ने भी ये बात महसूस की होगी कि जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर काम कर रहे व्यक्ति आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप अगली बार उसकी बजाय दूसरी शॉप पर जाना पसंद करते हैं, चाहे वहाँ पर आपको अच्छा माल मिले या ना मिले। इस तरीके से करें अपनी शॉप की मार्केटिंग। वर्तमान में किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता बहुत बड़े स्तर पर करनी होती है, क्योंकि इतनी अधिक जनसंख्या होने की वजह से भारत में हर व्यवसाय में अपना एक अलग कॉम्पिटिशन है। मार्केटिंग का सबसे सस्ता तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप अपने यहाँ आए किसी ग्राहक को उसकी डिमांड के हिसाब से कपड़े सिलकर देते हैं और उसकी रेंज में ही उससे पैसा वसूल करते हैं, तो वो खुद ही अपने दोस्तों या दूसरे लोगों को आपकी दुकान के बारे में बताएगा। उसके दोस्त यदि आपकी सेवा में खुश होते हैं तो वो अपने दूसरे दोस्तों को बताएंगे। इस तरीके से आप बिना पैसा खर्च किए अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट की सहायता से अपनी एक वेबसाइट बनाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही वहां पर आप एक सुरक्षित पेमेंट गेटवे उपलब्ध करवाकर ऑर्डर भी ले सकते हैं। आप वर्तमान में कई लोकप्रिय टेलर शॉप के द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें वो अपने यहाँ आने वाले ग्राहक को अपनी तरफ से पहले से छपाया हुआ ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट के रूप में देते हैं। साथ ही कपड़ों की पैकिंग को डिजाइनर तरीके से किया जाता है और उसको पैक करने के लिए इस्तेमाल में ली गई रैपिंग बहुत ही खूबसूरत लगाई जाती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।